राधा स्वामी, बाबा जी पहले आपकी क्षमा मांगते हैं क्योंकि आपसे अनुमति न लेते हुए हमने आपके जीवन पर एक छोटी सी ध्वनि चित्र मुद्रण तैयार की है और आपके सामने वह सादर कर रहे हैं। इसलिए आप हमें क्षमा कर दे, यह गुरु की चरणों में हमारी याचना है। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा। संस्कारी आत्मा, संस्कारी आत्मा, संस्कारी आत्मा, संस्कारी आत्मा। आज हम जान लेते हैं संत राम सिंह जी, इनके जीवन का सुखमय तेजोमय सफर। हमेशा दूसरों की सेवा करने में व्यतीत किया गया जीवन, अमूल्य योगदान, अच्छी चीजों का प्रचार, सेवा धर्म, गुरु का आचरण और उनके दिखाए मार्ग पर चलते रहना, हमेशा दूसरों की सेवा करना, सत्संग का आयोजन करना, अच्छी चीजों का प्रचार करना। संत राम सिंह जी का जन्म 10 अप्रैल 1954 में खरसेनपुर जिला जौनपुर में उनके नाना के घर हुआ। आपके माता पिता 5 साल से पुत्र प्राप्ति के प्रतीक्षा में थे। आपके पिता का नाम मधुबन सिंह और माता का नाम प्रभावती देवी था। गांव के बाहर एक शिव मंदिर था, वहां एक साधु महिला आकर रहने लगी। लोग उसे मौसी कहकर पुकारते थे, आप भी उसे मौसी कहकर पुकारने लगे। वह शिव की भक्ति करती थी, वह आपको भी ध्यान में बिठाती थी, आप उसकी बड़ी सेवा करते थे। उनको कुएं से पानी निकाल कर देना, पूजा के फूल ला कर देना, ऐसे काम आप करते थे। लोग भी आपकी भक्ति देखकर आपको बाबा बाबा कहकर पुकारने लगे, आपका नाम बाबा पड़ गया। भक्ति की लगन, भक्ति की लगन, भक्ति की लगन। काशी में राम और हनुमान की बहुत भक्ति होती है। हनुमान जी को सबसे बड़ा देव माना जाता है, अतः आपका ध्यान हनुमान जी की भक्ति की ओर गया। आप बड़ी श्रद्धा भाव से हनुमान जी की भक्ति करने लगे। आप जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ते थे। आपका ख्याल था कि जिस प्रकार हनुमान को भक्ति करने से भगवान राम मिले थे, ठीक उसी प्रकार आपको उस अदृश्य शक्ति का पता चलेगा, वो आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। बहुत दिनों तक हनुमान जी की भक्ति करने पर आपको सफलता नहीं मिली, आप बड़े निराश हुए। आपने भोलेपन से अपनी माता से उस अदृश्य शक्ति के बारे में पूछा और अपने अंदर उठने वाले सवालों को माता के आगे रखा। माता प्रभावती को बालक राम सिंह के सवालों को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। माता ने बड़े प्यार से कहा, बेटा ऐसी बातों का साधु महात्माओं को पता होता है। अब बालक राम सिंह का ध्यान साधु महात्माओं की ओर गया। अब वे साधु महात्माओं की तलाश में रहने लगे। आपने मन ही मन उस अदृश्य शक्ति से प्रार्थना की, हे अदृश्य शक्ति, मेरा किसी सच्चे साधु महात्मा से मिलाप कराओ। मुंबई आगमन, मुंबई आगमन, मुंबई आगमन। आपके माता पिता मुंबई में रहते थे, इसलिए आप हाई स्कूल पास करने के बाद मुंबई आ गए। आप किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते थे, अतः आप मुंबई के वर्ली के मिल में चौकीदार की नौकरी करने लगे। परंतु आपकी सच्चे साधु महात्मा की तलाश जारी थी। आपको एक महात्मा मिले, आप उससे बड़े प्रभावित हुए। उस महात्मा ने आपको ओंकार का गुरुमंत्र जपने को दिया।
आपको उस महात्मा ने दुर्गा की पूजा बताई। उस महात्मा के बताए अनुसार आप दुर्गा की पूजा करने लगे तथा सोमवार का उपवास रखने लगे। शाम को स्नान करके दुर्गा सप्तशती के एक अध्याय का पाठ रोज करते थे। आपका मानना था कि दुर्गा ने ब्रह्मा विष्णु महेश का निर्माण किया था, इसलिए आप दुर्गा को सब देवी देवताओं से महान मानते थे। आपको 2 साल में दुर्गा के दर्शन होने लगे तथा आपको वाक्य सिद्धि प्राप्त हो गई। आप जो बात कहते थे वह सच हो जाती थी। सत्संग से प्रेम। एक दिन शाम के समय वर्ली के सागर किनारे घूमने गए। जब आप लौट रहे थे तो आपकी दृष्टि एक नोटिस बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा था, राधा स्वामी सत्संग, वर्ली काकड़ चैम्बर। वहां शाम को 7 से 8 बजे तक बाबा सोमनाथ का सत्संग होता था। बाबा सोमनाथ वहां नहीं रहते थे, सत्संग टेप पर होता था। आपके मन में सत्संग सुनने की जिज्ञासा जागी और आपने सत्संग सुनने का निश्चय किया। अतः आप दूसरे दिन शाम को सत्संग सुनने के लिए सत्संग घर में पहुंच गए। आपने बड़े प्रेम भाव से सत्संग सुना। बाबा सोमनाथ जी की मधुर आवाज जब कानों में पड़ी तो आपको ऐसा लगा मानो यह आवाज कई जन्मों से आपने सुनी है। सत्संग का एक एक वचन आपके हृदय में समाता चला गया। आपकी कई जन्मों से सोई हुई संस्कारी आत्मा जाग गई। आपकी सभी शंकाओं के समाधान हो गए। आपको महसूस हुआ कि आपको जिस अदृश्य शक्ति की तलाश थी वह शक्ति गुरुदेव में समाई है। आप अपनी नौकरी की ड्यूटी से लौटते समय रोज शाम का सत्संग सुनने लगे। आपने 2 महीने तक नियमित रूप से सत्संग सुना। वहां लगा हुआ बाबा सोमनाथ जी का चित्र आपको बड़ा लुभावना लगा। बाबा जी का रूप आपके हृदय में समाता चला गया। आपने दुर्गा पूजा छोड़ दी। बाबा जी की मनमोहिनी मूर्ति सदा आपके सामने रहने लगी। आपको ऐसी लगन लगी थी कि आपको चारों ओर बाबा सोमनाथ जी हाथ में छड़ी लिए हुए दिखाई देने लगे। आपकी कानों में 24 घंटे बाबा जी के सत्संग की वाणी गूंजती रहती थी। संत दर्शन की चाह। अब आपके मन में संत दर्शन की चाह जागृत हो गई। आपको सब में बाबा जी दिखाई देते थे। आपको हर आदमी में बाबा जी का स्वरूप नजर आता था। आपकी रातों की नींद गायब हो गई। आपने बाबा सोमनाथ जी के आश्रम जाने का निश्चय कर लिया। जब आपको महीने का वेतन मिला तो आप काकड़ चैम्बर में जनार्दन नाम के सत्संगी के पास गए। आपने उससे बाबा जी के बेंगलोर आश्रम का पता बताने की विनती की। उसने आपको पता दिया। आपकी संत दर्शन की चाह बड़ी गहरी थी, अतः आप तुरंत ही बेंगलोर की ओर रवाना हो गए। सतगुरु बाबा सोमनाथ से मिलाप। बाबा रामसिंह बेंगलोर में केंगेरी आश्रम पहुंचे। वहां गेट पर आपको जमाल भाई मिले। आपने जमाल भाई को नाम और पता लिख कर दिया। जमाल भाई ने बाबा सोमनाथ जी से कहा,
कोई काशी वाला आपसे मिलना चाहता है। बाबा जी ने कहा, उसको लेकर आओ। दर्शन का समय नहीं होने के बावजूद आपको बाबा जी ने अंदर बुलाया। आपकी दृष्टि बाबा जी के मनमोहक मुखमंडल पर पड़ी। बाबा जी का नूरी मुखमंडल जगमगा रहा था, मानो चारों ओर सैकड़ों सूर्य जगमगा रहे थे। आपने देखा कि बाबा जी के चरणों से नूर निकल रहा था। आपने उन नूरी चरणों पर माथा टेका। बाबा जी आपको उठा रहे थे, परंतु आपको कोई सुध-बुध नहीं थी। आखिर बाबा जी ने आपके सिर पर दोनों हाथ रखे और आपको होश आ गया। आप उठकर बैठ गए। बाबा जी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आपने उत्तर दिया, महाराज मेरा नाम राम उग्रसिंह। तब बाबा सोमनाथ जी ने आपकी ओर मुस्कुरा कर देखा और कहा, अरे तुम उग्र तो हो ही नहीं, तुम तो शांत हो। तुम्हारा नाम राम सिंह ही होना चाहिए। फिर पूछा, क्या तुम सेवा में रहना चाहते हो या दर्शन करके जाना चाहते हो? आपके मुख से सहसा निकला, मैं तो आपके सेवा में रहने के लिए ही आया हूं। तब बाबा जी ने अपने सेवेदार नायर को बुलाया। तब नायर ने बाबा जी के सामने ही आपसे पूछताछ की और कहा, जब तुम मुंबई में नौकरी करते हो तो फिर यहां क्यों रहना चाहते हो? नौकरी बड़ी मुश्किल से मिली है। बाबा सोमनाथ जी ने आपकी तरफ देखकर कहा, अरे 200-400 की कोई नौकरी होती है? जाओ इसे जाकर एक कमरा दे दो। आपको आश्रम में गाय का दूध निकालने, खेती में काम करने व गटर साफ करने की सेवा दी गई। ये सेवा आप बड़ी लगन से करने लगे। नाम दान की प्राप्ति। आपको आश्रम आए 4 महीने हो गए थे और आपको जिस दिन की प्रतीक्षा थी वह दिन आ गया। अगले दिन नाम निर्णय मंदिर में नामदान होना था। आपके मन में अपार हर्ष था। आपको नींद नहीं आ रही थी। आप बेचैनी से दिन निकलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। ऐसी हालत में आपका ध्यान लग गया। आपने ध्यान में देखा कि बहुत बड़ा भंडारा चल रहा है और बहुत सारी संगत आई हुई है। आप भजन में बैठने के लिए इधर उधर जगह ढूंढ रहे थे। आपने देखा कि वहां एक खंभा था और उसके सामने से महाराज सावन सिंह जी प्रकट हुए। आपने उनको दंडवत प्रणाम किया। महाराज जी ने आपको गले से लगाया और कहा, क्यों फिक्र करते हो? समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रातःकाल होने पर 2 अप्रैल 1974 को आपको नामदान की प्राप्ति हुई। सतगुरु सेवा। एक दिन आप बाबा सोमनाथ जी के दर्शन के लिए गए। आपने सदगुरु के चरणों में शीश रखा व आशीर्वाद लिया। बाबा सोमनाथ ने आपकी ओर मुस्कुरा के देखा और कहा, रात में पहरेदारी की सेवा करोगे? आपने सिर झुकाकर कहा, महाराज आप जैसी आज्ञा देंगे मैं वही करूंगा। यह आपकी परीक्षा की घड़ी थी, क्योंकि यह सबसे कठिन सेवा थी। रात को जागना पड़ता था,
और इस सेवा के साथ आपको सुबह 7 बजे से 1 बजे तक खेती में भी सेवा करनी पड़ती थी। अब आपका सेवा करने का प्रतिदिन का एक नियम बन गया। दोपहर 1 बजे खाने की घंटी बजती थी। आप खाना खाकर 2 बजे से 6 बजे तक सोते थे और सारी रात जागकर पहरेदारी की सेवा करते थे। आपको बाबाजी ने एक टॉर्च और एक कंबल दिया। आप सारी रात चलते हुए सुमिरन करते थे। सुमिरन करने से आपके मन में विरह उत्पन्न होने लगी। आपकी रूह आंतरिक मंडलों में जाने लगी। बाबा सोमनाथ जी के गुरु स्वरूप के दर्शन होने लगे। अतः आपको सदगुरु के देह के दर्शन की चाह और बढ़ गई। बाबा सोमनाथ जी का महाप्रयाण। अट्ठाईस नवंबर 1976, दिन रविवार, समय 11:20 का था। बाबा सोमनाथ जी की प्रमुख सेविका पुष्पम्मा कमरे से बाहर निकली और जोर से चिल्लाई, बाबा जी ने चोला छोड़ दिया। सारी संगत में दुख की लहर छा गई। आप उस समय सत्संग हॉल के सामने मक्का डालने की सेवा कर रहे थे। पुष्पम्मा की आवाज सुनकर आपके हाथ वहीं रुक गए। आपका सारा शरीर सुन्न हो गया और मुंह से यह वाक्य निकला, हे सदगुरु, मैं अनाथ हो गया, आप मुझे किसके सहारे छोड़कर गए। सोमनाथ महाराज जी को वही आश्रम में ही समाधि दी गई। आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था, परंतु आपके ध्यान में वही मनमोहक मूर्ति बसी हुई थी। महाराज सोमनाथ जी देह रूप से दूर हो चुके थे, परंतु उनकी आज्ञा ही आपके लिए एक सहारा थी। आप रोते रोते रातों को पहरेदारी की सेवा करते थे। इस प्रकार से अपार असहनीय दुख में 4 दिन बीत गए। एक दिन सवेरे 4 बजे आप बाबा जी के बंगले के पास भजन पर बैठे थे। उस समय आपको बाबा सोमनाथ जी ने दर्शन दिया। आपने देखा कि आप और एक सत्संगी गणपति बाबा जी के पांव दबा रहे हैं। बाबा जी एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं और आप रो रहे हैं। बाबा जी ने कहा, अरे क्यों रोते हो, मैं यही तुम्हारे पास हूं। समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। समय का इंतजार करो। समय आने पर तुमसे इससे भी बड़ी सेवा ली जाएगी। नए महात्मा का दर्शन। आप अपने नित्यनेम के अनुसार बाबा सोमनाथ खड़े हैं और उनके पास एक बहुत ही सुंदर नूरी स्वरूप वाले महात्मा खड़े हैं। आपने उस महान हस्ती को कभी नहीं देखा था। आपने अपने सत्संगी जमाल भाई से कहा, आओ एक बहुत बड़े महात्मा आए हैं, हम चलकर उनका दर्शन करें। दोनों उनके पास गए। बहुत भीड़ थी। बहुत ही सुंदर सत्संग हुआ। सत्संग के बाद वे महात्मा आपके पास आए। आपने देखा
कि वह बाबा सोमनाथ जी नहीं थे, यह नया ही स्वरूप था। आपने देखा कि यह तो नए महात्मा है। उस अद्भुत महात्मा ने आपको पूछा, आपको क्या पूछना है? आप पूछ सकते हैं। आपने कहा, मेरा भजन नहीं बनता। तब उस महापुरुष ने कहा, सुमिरन पकड़ो। सुमिरन याद करो तो काम बन जाएगा। आपने दूसरा प्रश्न किया, बाबा सोमनाथ जी चोला छोड़ गए हैं, वे अब कब आएंगे? उस हस्ती ने थोड़ी देर रुककर कहा, अभी 11 साल लगेंगे। ठीक 11 साल के बाद संत अजायब सिंह जी ने बैंगलोर में कार्यक्रम दिया। इस प्रकार यह बात सच साबित हुई। संत सदगुरु अजायब सिंह जी के चरणों में आंध्रा आगमन। आप संत अजायब सिंह जी महाराज की आज्ञा को अपने गुरु बाबा सोमनाथ जी की आज्ञा समझकर आंध्रा में लौट आए। संत अजायब सिंह जी महाराज ने आपको सत्संग करने की आज्ञा दी थी, परंतु आपको सत्संग करने आती नहीं थी। केंगेरी आश्रम में रहने के कारण आपको कन्नड़ा बोलनी तो आती थी, परंतु तेलुगु भाषा का इतना ज्ञान नहीं था। परंतु सद्गुरु प्रेम में आपने सत्संग टूटी फूटी तेलुगु भाषा में शुरू किया। संत जी की दया वो बाबा राम सिंह जी की भक्ति रंग लाई और आप तेलुगु व कन्नड़ा भाषा में सत्संग देने लगे। आप स्वयं ही वाणी का पाठ करते और समझाते थे। आप आंध्रा व कर्नाटक में कभी पैदल, कभी साइकिल तो कभी बस द्वारा सत्संग करने जाते थे। एक बार महाराज अजायब सिंह जी ने पूछा, तुम्हारा गुजारा कैसे चलता है? आपने बताया, मेरा गुजारा सत्संगियों के मदद से चलता है। महाराज अजायब सिंह जी ने कहा, बेटा, संत मत में साधु को कमाकर खाना पड़ता है और अपनी कमाई से लंगर में भी डालना होता है, अतः कोई कमाई का जरिया होना चाहिए। गुद्देला आश्रम की स्थापना व कठिनाइयां। महाराज अजायब सिंह के वचनों की पालन करने के लिए आपने एक सत्संगी भाई से कुछ पैसे उधार लिए और जमीन लेने की सोची। अनंतपुर जिले में कल्याण दुर्ग तहसील में गुद्देला एक छोटा सा गांव है। वहां आपने तिमप्पा पहाड़ी के तराई में 10 एकड़ जमीन खरीदी। संत अजायब सिंह जी महाराज की दया से यह सब कार्य हो गया और थोड़ी ही समय में कर्ज भी चुकता हो गया। वहां आपने छोटे छोटे 2 कमरों का निर्माण किया और संत अजायब सिंह जी महाराज वो बाबा सोमनाथ जी के नाम से आपने इसका नाम सोम अजायब कृपा आश्रम रखा। धीरे धीरे सत्संग की संख्या बढ़ती गई। दक्षिण भारत, निजामाबाद, करीमनगर, किसान नगर, तेलंगाना, बेंगलोर, हुबली, सतारा, वाई, कोंडला, मुंबई, सभी जगह सत्संग चलता है। 27 फरवरी 2005 में नामदान होना शुरू हुआ। गुद्देला आश्रम में आपने नामदान चालू किया। आसपास 300 सत्संगियों को नामदान प्राप्त हुआ। उस पश्चात आप 6 से 8 घंटे भजन अभ्यास में तल्लीन हो जाते थे। अभी भी आपका नाश्ता, खाना
खुद का सब काम खुद करते थे। संत महात्मा होकर भी सब काम खुद करते थे। तन धीर मन धीर सूरत निरत धीर, कहे कबीर एक पलक को कल्प न पावे कोई। तन मन और सब इंद्रिय स्थिर होने से परमात्मा जागृत होता है, उसके कारण कम समय में फायदा होता है। दृढ़ संकल्प होने से मन निर्मल होता है। कभी कभी विश्वास बढ़ने के लिए गुरु दर्शन देते हैं। इस तरह से संत सदगुरु बाबा सोमनाथ जी और संत सदगुरु बाबा अजायब सिंह जी, इनके आदेशानुसार आप सत्संग द्वारा महान गुरुओं के यादों में समाते हैं। इस प्रकार गुरु भक्ति, गुरु को शरण जाना, नाम महिमा और मानव जीवन की उद्दिष्टों को प्रेरणा देते आ रहे हैं। संत समाज के लिए आते हैं, वे लालची नहीं होते। संत जब संसार छोड़ के जाते हैं तब रोना नहीं चाहिए, वे सत्य क्षेत्र अपने घर जाते हैं। संत जाने के बाद उनका नाम उज्जवल करो और उनका ध्येय पूर्ण करो। संत बाबा राम सिंह जी के चरणों में कोटि कोटि राधा स्वामी, राधा स्वामी। दियो जीव धाया सत्य गुरु आए, लाहा खट लो प्रेमियो खुशियां ले ओ मना, बैसा जनो दर्शन कर देओ जीव धाया सत्य गुरु आए, लाहा खट लो प्रेमियो खुशियां ले ओ मना, बैसा जनो दर्शन कर माता हर नाम कर जी दे कर विच दरिया जन्म सिया, लाल सिंह जी दा लाल प्यारा संतां दी शरण पिया, माता हर नाम जी दे कर विच दरिया जन्म सिया, लाल सिंह जी दा लाल प्यारा संतां दी शरण प्यारा, सतसंग लाके नाम जपा के तारिया है रूहाया, प्रेमियों खुशियां ले ओ मना, बैसा जनो दर्शन कर लो या, देओ जीव धाया सत्य गुरु सजनो दर्शन कर लो, जोत निराली है मत वाली पाने दे विचे
खुशियां ले ओ मना भाई सजनो दर्शन कर लो देओ जी वधाइयां सत गुरु आए लाहा खट लो प्रेमियों खुशियां ले ओ मना भाई सजनो दर्शन कर लो या शब्द पंडारा मालिक प्यारा बैठा रहा लुटा अजायब सदावे ऐब नठावे दुखियां दा दर्द गया शब्द पंडारा मालिक प्यारा बैठा रहा अजैब सदावे ऐब नठावे दुखियां दा दर्द गया पाठी बोले पेधन खोले सच्चा मालिक मिल गया प्रेमियों खुशियां ले ओ मना भाई सजनो दर्शन कर लोया देओ जी वधाइया सतगुरु आए लाहा खट लोआ प्रेमियों खुशियां ले ओ मना भाई सजनो दर्शन कर लोया अजायब कृपा नू